नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। आजकल हम सभी के पास ढेरों पासवर्ड मौजूद होते हैं। सोशल साइट के पासवर्ड और बैंकिंग से जुड़े पासवर्ड के अलावा भी कई सारे पासवर्ड की हमें जरूरत होती है। ऐसे में यूजर अक्सर अपनी सुविधा के लिए पासवर्ड बनाते समय कुछ ऐसी साधारण गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से सिक्योरिटी ब्रेक का खतरा बना रहता है। अगर आप भी अपने मोबाइल नंबर या परिवार के किसी सदस्य के नाम का पासवर्ड बना चुके हैं, तो बता दें कि ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा आसानी से हैक किए जाने वाले पासवर्ड हैं। इन पासवर्ड की वजह से कोई भी आपका अकाउंट हैक कर आपका डेटा चोरी कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां हम आपको कुछ बेसिक पासवर्ड संबंधी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यूजर्स अक्सर करते हैं। कई यूजर्स के साथ पासवर्ड भूलने की समस्या होती है। इससे बचने के लिए वह अपना मोबाइल नंबर ही अपने पासवर्ड का रूप में चुन लेते हैं, या फिर अपना या परिवार के किसी सदस्य के नाम से पासवर्ड बना लेते हैं। ऐसा करना आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है और कोई भी आसानी से आपका अकाउंट हैक कर सकता है। आपको अपनी गलती का अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि दुनिया का सबसे कॉमन पासवर्ड यूजर का अपना मोबाइल नंबर ही होता है। यूजर्स अलग अलग पासवर्ड याद नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए एक पासवर्ड को कई सारे अकाउंट में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पासवर्ड गलतियों में से एक है। अगर हैकर्स आपका एक अकाउंट हैक करेंगे तो बाकी अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश करेंगे। आपका पासवर्ड उनके काम को बिल्कुल आसान बना देगा और उन्हें सिर्फ एक बार ही आपका अकाउंट हैक करना होगा। एक ऐसा पासवर्ड जिसे हैक करना मुश्किल है, जाहिर बात है उसे याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में यूजर्स अक्सर शॉर्ट पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या 1 1 1 1 या फिर QWERTY। बता दें कि इन पासवर्ड के जरिए आप खुद को अनसेफ कर रहे हैं। पासवर्ड को कम से कम 12 कैरेक्टर का स्पेशल की के साथ क्रिएट करना चाहिए। हम में से कई लोग पासवर्ड भूलने की वजह से पैटर्न पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसे भी अपनी सुविधा के लिए बहुत आसान सा बनाते हैं। साल 2014 में सुरक्षा सलाहकार कोरोलोगिक ने एक अनाम फॉर्च्यून 100 कंपनी में यूजर्स पर स्टडी की। इस स्टडी में सामने आया कि लगभग आधे लोग अपने पासवर्ड बनाने के लिए सिर्फ 5 तरीकों पर भरोसा करते थे। कोरोलोगिक ने यह भी पाया कि 85% उपयोगकर्ताओं ने सिर्फ 100 सामान्य पासवर्ड पैटर्न पर भरोसा किया। इसलिए कॉमन पासवर्ड का यूज करने से बचें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अपर केस लोअर केस लेटर के साथ स्पेशल की भी शामिल होना चाहिए, लेकिन कभी भी पासवर्ड को अपर केस लेटर से शुरू न करें। इसके अलावा पासवर्ड को सिर्फ कैपिटल लेटर में क्रिएट न करें। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।